आँखों को काजला क्यों ने को बाजला है मैंने उठा दिया वाह 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 सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लवली नेगी पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी सारे व्यूवर हैं सभी को न्यू ईयर यानी नए साल की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आई होप मेरे सारे व्यूवर जहाँ भी होंगे इस न्यू ईयर बहुत खुश होंगे मेरी तरह। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज नया साल है 1 जनवरी 2022। तो मैं स्पेशल तैयार होके मासु देवता जी के दर्शन के लिए जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड्स, बने ही रहेगा व्लॉग में, हम आप सभी मिलकर चलते हैं श्री मासु देवता जी जो है हनोल यानी उत्तरकाशी यूके उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा पूरे व्लॉग में एंड तक, कहीं जाएगा मत, हम साथ जाएंगे और दर्शन करके साथ वापस आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, अगर मेरे किसी भी व्यूवर ने अभी तक भी मेरे चैनल लवली नेगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कोई पैसा नहीं लगेगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। आँखों को काजला को बदला फ्रेंड्स, तो हम निकल चुके हैं उत्तरकाशी के लिए यानी हनोल मंदिर। बाकी आप देख सकते हो जो फ्रंट का व्यू है बड़ा कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, बिल्कुल अपने हिमाचल यानी किन्नौर की याद आ गई, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी बिल्कुल घर ही पहुंचने वाला हूं, क्योंकि रोड सारी जिगजैग टाइप है और थोड़े बहुत पहाड़ ज़्यादा ऊँचे है नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग टी ब्रेक, आप देख सकते हो। सुबह का मॉर्निंग व्यू कितना सुंदर है। बाकी आप देख सकते हो सीढ़नुमा खेत, पहाड़ों की पहचान। ये देखिए नीचे किस तरह खेत की खुदाई हल से की जा रही है बैलों द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपको बताऊं तो मैंने ये ऐसा व्यू पहली बार ही देखा है, क्योंकि ऐसा ब्यूटीफुल व्यू बहुत कम देखने को मिलता है सभी को। फ्रेंड्स, इस सुनहरे और सुंदर गांव का नाम है क्वानू। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये देखिए कितनी बहुत बड़ी झील है और पानी तो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है इसका। बाकी ये जो व्यू है फ्रेंड्स, थोड़ी ऊंचाई से ले रहा हूँ इसीलिए मैं आप सभी को थोड़ी छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी झील है। वेलकम टू हनोल। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो हम पहुंच गए हैं हनोल गांव में यानी मंदिर के बिल्कुल बाहर। बाकी ये जो स्पेस है आप देख रहे हो, ये स्पेशल गाड़ी पार्क करने के लिए बड़ा सा ग्राउंड है। तो आइए चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। Thank you.
हम पहुंच गए हैं हनोल श्री मासु देवता जी के मंदिर में, तो चलते हैं अंदर। ये है श्री मासु देवता जी का मंदिर, तो आइए करते हैं दर्शन। चलिए पूरा मासु देवता जी का पूरा मंदिर जो मैंने अभी दर्शन कर लिया है। तो आप सभी को थोड़ा मैं व्यू क्लियर व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। फ्रेंड्स, मासु देवता जी का जो ये मंदिर है बहुत ही पुराना और एक ऐतिहासिक मंदिर है। बताया जाता है कि ये पांडवों के समय में बनाया गया था। देख सकते हो जो ये मंदिर के आंगन में पांडुलिपि दिखाई दे रही है आप सभी को आगे, ये पांडवों द्वारा बनाई गई थी। बाकी ये मंदिर के पूरे आंगन का व्यू है जो बहुत ही बड़ा है आंगन। फ्रेंड्स, मासु देवता जी के इस मंदिर में तीन दरवाजे हैं और जो तीसरा दरवाजा है वो बहुत ही कम खुलता है, यानी कभी कभार ही। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मंदिर का लेफ्ट साइड का व्यू है और मंदिर के पुजारी श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। मंदिर के अंदर तीन दरवाजे हैं जो कि आज तीनों के तीनों खुले हैं। मेरे लिए तो आज बहुत सौभाग्य की बात है कि चारों के चारों दरवाजे खुले हैं और मैंने दर्शन भी कर लिए मासु देवता जी के। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मंदिर के आंगन में बहुत से बकरे दिखाई दे रहे हैं। ये जो बकरे हैं कोई साधारण बकरे नहीं है, क्योंकि ये मासु देवता जी के अपने खुद के बकरे हैं, क्योंकि ये श्रद्धालुओं द्वारा इच्छा पूरी होने पर मासु देवता जी को भेंट किए गए हैं। ये सारे जितने भी बकरे हैं मासु देवता जी के मंदिर में ही रहते हैं, और बताया जाता है कि अगर ये किसी के खेत में जाकर भी घास खाते हैं तो उसके लिए इन्हें कोई मना नहीं करता। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है मंदिर की सबसे खास चीज़, यानी मंदिर में रखे हुए कंचे। ये दो कंचे हैं जो आप देख सकते हो, एक छोटा और एक बड़ा। बाकी दिखने में ये बहुत छोटे लग रहे हैं, बट इनको उठाना बहुत मुश्किल है। आप देख ही रहे होंगे क्योंकि जितने, और कहा जाता है कि ये जो दो कंचे हैं ये महाभारत में पांडुपुत्र भीम के थे और वह इनसे खेला करते थे, तो इनको उठाना किसी के बस की बात नहीं है। आप देख ही सकते हो कितनी मशक्कत लग रही है इसमें, कितना ज़ोर लग रहा है, फिर भी कोई उठा नहीं पा रहा। तो बाकी लोगों का मानना है कि जो श्रद्धा से उठाता है वही इसे उठा सकता है, बाकी कोई नहीं। बट इसमें श्रद्धा के साथ साथ टेक्निक यानी तरीके की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि
कोई भी अगर श्रद्धालु ना उठा पाए तो उदास ना हो, इन कंचों को उठाने का भी तरीका है। आप चाहे तो मुझे देख सकते हो, मैं किसी प्रकार उठाऊंगा। फ्रेंड्स चलिए उठाते हैं पत्थर, कोशिश पूरी करेंगे, वैसे घटनाओं से भी उठा लेंगे। आइए उठाते हैं पूरी श्रद्धा और जय मां से देवता, जय मां से देवता, जय मां से देवता। छोटा वाला पहले, पहले बड़ा वाला उठाया सीधे, टूट ही जाएगा। ओए बिटकी बहुत इजीली उठा दिया रे तूने तो। ये देख सकते हो मैंने कोशिश पूरी की थी, एक उठा लिया था, एक आधा उठा लिया, बाकी जितना ये दिख रहा है वैसा है नहीं लगता है, बट ये बहुत भारी है, इसे बहुत उठाना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स मासु देवता जी के दर्शन हो गए, तो उसके बाद अब चलते हैं बाहर की ओर। तो फ्रेंड्स श्री मासु देवता जी के दर्शन करके मैं बाहर आ गया हूँ, बाकी ये था पूरा अंदर मंदिर के लिए रास्ता जो मैंने आप सभी को दिखाया। अब दर्शन करने के बाद थोड़ा आपको मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। फ्रेंड्स मैं मासु देवता जी के दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ मंदिर से, तो फिलहाल यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ पार्किंग में। यहाँ पे पार्किंग गाड़ियों के लिए स्पेशल है, जो भी श्रद्धालु अपनी गाड़ी लेके आते हैं चाहे टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, बढ़िया खुला है। अब चलते हैं फिर एक बार फिर से अपने घर की ओर, बाकी मन की इच्छा मनोकामना अगर पूरी होती तो एक बार फिर दर्शन के लिए आएंगे। बाकी सभी फ्रेंड्स को एक बार फिर से नए साल की बधाई एवं शुभकामनाएं सभी को। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना ये व्लॉग आप सभी को मेरा कैसा लगा, आई होप सभी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्द मिलूँगा मैं आप सभी को एक अनदर व्लॉग के साथ बहुत जल्द, तो बने रहेगा मेरे YouTube चैनल लवली नेगी पर। अगर साथ ही अगर कोई भी व्यूवर मेरे जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लवली नेगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। तो फ्रेंड तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर ऑल, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।